हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर के फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ एन ई वन ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन वन आफ्टरनून के डबल ई एल यू कीलू W A S was A double L all A L O N E alone in the G A R D E N garden. One afternoon, Kilu was all alone in the garden. एक दोपहर कीलू बगीचे में अकेला था. Alone means अकेला. गार्डन मीन्स बगीचा. एक दोपहर कीलू बगीचे में अकेला था. मेघना एम ई जी एच एन ए मेघना डब्ल्यू ए एस वॉज एफ ए एस टी फास्ट ए एस एल डबल ई पी अस्लीप यू एन डी ई आर अंडर A T R double E tree. Meghna was fast asleep under a tree. Meghna एक पेड़ के नीचे सोई थी. जो Meghna थी वो एक पेड़ के नीचे सोई थी. K double E L U kilu S U double D E N L Y suddenly S A W saw A S N A K E snake C R A W L I N G crawling N E A R B Y nearby. Kilu suddenly saw a snake crawling nearby. Kilu ने अचानक पास में एक सांप को रेंगते हुए देखा. Kilu ने अचानक पास में एक सांप को रेंगते हुए देखा. क्रॉलिंग मीन्स रेंगते हुए, नियर बाई मीन्स पास में, सडनली मीन्स अचानक. इट एल डबल ओ के ई डी लुक्ड एल आई के ई लाइक अ सी ओ बी आर ए कोबरा. इट लुक्ड लाइक ए कोबरा. ये नाग के जैसा दिखता था. कोबरा मीन्स नाग. यह नाग के जैसा दिखता था. आगे बढ़ते हैं. इट डब्ल्यू ए एस वॉज वी ई आर वाई वेरी सी एल ओ एस ई क्लोज टी ओ टू द जी ए आर डी ई एन ई आर अपोस्ट्रोफी S gardeners D A U G H T E R daughter. It was very close to the gardener's daughter. यह माली के बेटी के बहुत करीब था. Very close means बहुत करीब. यह माली की बेटी के बहुत करीब था. कौन? सांप. जो नाग था वो माली की बेटी के बहुत करीब था. W I double L will it B I T E bite H E R her. Will it bite her? क्या यह उसे काटेगा? K double E L U kilu J U M P E D U P jumped up A N D and W A S was on T O P top O F of the S N A K E snake L I K E like A S T R E A K S T R E A K streak O F of L I G H T N I N G lightning. Kilu jumped up and was on top of the snake like a streak of lightning. K
कीलू ऊपर उछला और बिजली की एक लकीर की तरह सांप के ऊपर था। स्ट्रीक मीन्स लकीर। कीलू ऊपर उछला और सांप वो बिजली की एक लकीर की तरह सांप के ऊपर था। एच ई ही एस एन ए डबल पी ई डी स्नैप्ड द बी ए सी के बैक ओ एफ ऑफ आई टी एस इट्स एच ई ए डी हैड जे यू एस टी जस्ट एल आई के ई लाइक एच ई ही एच ए डी हैड एस डबल ई एन सीन एच आई एस हिज बी आर ओ टी एच ई आर एस ब्रदर्स डी ओ डू ही स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स तोड़ दिया या काट दिया। ही स्नैप्ड द बैक ऑफ इट्स हेड जस्ट लाइक ही हैड सीन हिज ब्रदर्स डू। उसने सांप के या इसके सिर के पिछले वाले भाग को ऐसे काट दिया जैसे उसने अपने भाइयों को करते देखा था। कीलू ने सांप के सिर के पिछले भाग को ऐसे काट दिया जैसे उसने अपने भाइयों को करते देखा था। टी ए के ई एन बी बाई बाई एस यू आर पी आर आई एस ई सरप्राइज द एस एन ए के स्नेक डी आई ई डी डाइड ओ एन ऑन द एस पी ओ टी स्पॉट टेकन बाई सरप्राइज आश्चर्यचकित होके द स्नेक डाइड ऑन द स्पॉट सांप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आश्चर्यचकित होके सांप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। के डबल ई एल यू कीलू एल डबल ओ के ई डी लुक्ड ए एस आई एफ इफ ही सी ओ यू एल डी कुड एन ओ टी नॉट बी ई एल आई ई वी ई विलीव एच आई एस हिज ई बाई ई एस आईज कीलू लुक्ड एज इफ ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज। कीलू ने देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो सका। बिलीव मीन्स विश्वास। कीलू ने देखा कि जैसे उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो सका। जे यू एस टी जस्ट टी एच ई एन देन एच आई एस हिज एम ओ टी एच ई आर मदर आर यू एस एच ई डी रस्ड आई एन टी ओ इन टू टी एच ई द जी ए आर डी ई एन गार्डन जस्ट देन हिज मदर रस्ड इन टू द गार्डन। तभी उसकी माँ बगीचे में भागती हुई आई। किसकी माँ? कीलू की माँ। तभी उसकी माँ बगीचे में भागती हुई आई। रश्ड मीन्स भागते हुए। के डबल ई एल यू कीलू एच ए वी ई हैव बाई ओ यू यू के आई डबल एल ई डी किल्ड टी एच आई एस दिस सी ओ बी आर ए कोबरा। कीलू हैव यू किल्ड दिस कोबरा। कीलू क्या यह नाग तुमने मारा है? एस एच ई सी सी आर आई ई डी क्राइड ई एक्स सी आई टी ई डी एल वाई सी क्राइड एक्साइटेडली। सी क्राइड एक्साइटेडली वह उत्साह से चिल्लाई। कीलू की माँ उत्साह से चिल्लाई और कहा कीलू क्या यह नाग तुमने मारा है? आई एम पी आर ओ यू डी प्राउड ओ ऑफ ऑफ ओ एफ ऑफ बाई ओ यू यू
I am proud of you. मुझे तुम पर गर्व है. ये किसने कहा? कीलू की माँ ने कहा. I am proud of you. मुझे तुम पर गर्व है. Proud means गर्व. H U double R A H हुर्रा. F O R for K double E L U कीलू. C R I E D cried. H I S his. B R O T H E R S brothers. हुर्रा for कीलू. Cried his brothers. कीलू के भाई उसके लिए खुशी से चिल्लाए. जो उसके भाई कीलू के लिए खुशी से चिल्लाए. हुर्रा मीन्स होता है खुशी से चिल्लाना. जब किसी चीज की खुशी होती है तो बोलते हैं हुर्रा. हुर्रा फॉर कीलू क्राइड हिज ब्रदर्स. जो कीलू के भाई थे वो कीलू के लिए खुशी से चिल्लाए. बाय ओ यू यू एच ए वी ई हैव बी ई ए टी एन बीटन यू एस अस ए डबल एल ऑल. यू हैव बीटन अस ऑल. तुमने हम सभी को हराया है. बीटन मीन्स हराया. तुमने हम सभी को हराया है. एन ओ एन ई नन ओ एफ ऑफ यू एस अस एच ए वी हैव के आई डबल एल ई डी किल्ड अ सी ओ बी आर ए कोबरा by E.T. yet. None of us have killed a cobra yet. हम में से किसी ने अभी तक नाग को नहीं मारा है. Cobra means नाग. हम में से अभी तक किसी ने एक नाग को नहीं मारा है. K double E L U kilu S M I L E D smiled. एच ए डबल पी आई एल वाई हैप्पीली. कीलू स्माइल्ड हैप्पीली. कीलू खुशी से मुस्कुराया. कीलू खुशी से मुस्कुराया. एच ई ही डब्ल्यू ए एस वॉज एच ए डबल पी आई ई आर हैप्पियर बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज एच ई ही एच ए डी हैड S A V E D saved H I S his F R I E N D friend F R O M from B E I N G being B I double T E N bitten. He was happier because he had saved his friend from being bitten. वह खुश था क्योंकि उसने अपने मित्र को काटे जाने से बचाया था. कौन खुश था? कीलू. क्योंकि उसने मेघना को जो उसकी मित्र थी उसे काटे जाने से बचाया था. आगे बढ़ते हैं इसी लेसन के पीछे. ये लेसन जो आपका है वो कंप्लीट हो गया है. इसी लेसन के पीछे एक पोएम दी हुई है जिसे अभी हम आपको पढ़ाते हैं. द स्पैरो S P A डबल R O W स्पैरो. स्पैरो मीन्स गौरैया. ये जो पोएम है वो आपकी पॉल लॉरेंस डेनवर द्वारा लिखी है. इसके जो पोएट हैं इस पोएम के वो हैं पॉल लॉरेंस डेनवर. स्टार्ट करते हैं पोएम. अ एल आई डबल टी एल ई लिटिल बी आई आर डी वर्ड डब्लू आई टी एच विद P L U M A G E plumage B R O W N brown. A little bird with plumage brown. एक छोटी चिड़िया भूरे पंखों वाली. एक भूरे पंखों वाली छोटी चिड़िया. B E S I D E beside M I my W I N D O W window. F L U double T E R S flutters D O W N down. Beside my window flutters down. मेरी खिड़की के पास नीचे फड़फड़ाती है. एक छोटी चिड़िया भूरे पंखों वाली मेरी खिड़की के पास नीचे फड़फड़ाती है. Window means खिड़की. Flutters means फड़फड़ाती है. Beside means के पास.
M-O-M-E-N-T, a moment, C-H-I-R-P-S, chirps, I-T-S, its, L-I-T-T-L-E, little, S-T-R-A-I-N, strength, a moment, chirps, its little strength, एक पल ये थोड़े जोरदार प्रयास से चहचहाती है, चिप्स मीन्स चहचहाना, एक पल ये थोड़े जोरदार प्रयास से चहचहाती है, स्ट्रेन लिटिल स्ट्रेन का मतलब है थोड़ा जोरदार प्रयास, टी एच ई एन देन टी ए पी एस टेप्स यू पी ओ एन अपॉन एम आई माई डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो पी ए एन ई पेन देन टैप्स अपॉन माई विंडो पेन फिर यह मेरे खिड़की के फलक में चोंच मारती है फिर यह मेरे खिड़की के फलक जो शीशा होता है उसके ऊपर चोंच मारती है टैप्स मीन्स चोंच मारना A N D and C H I R P S chirps A G A I N again A N D and H O P S hops A L O N G along and chirps again and hops along और पुनः चहचहाती है और साथ ही फुदकती है hops means फुदकना chirps means चहचहाना एंड चिर्प्स अगेन एंड हॉप्स अलोंग और पुनः चहचहाती है और साथ ही फुदकती है टू टी ओ टू सी ए आर सी ए डबल एल कॉल एम बाई माई एन ओ टी आई सी ई नोटिस टी ओ टी टी ओ टू आई टी एस इट्स एस ओ एन जी सॉन्ग टू कॉल माई नोटिस मेरे ध्यान को बुलाने के लिए यानी कि टू कॉल माई नोटिस टू इट्स सॉन्ग जो चिड़िया है वो बार बार चहचहाती है और साथ ही फुदकती है किस लिए टू कॉल माई नोटिस टू इट्स सॉन्ग मेरा ध्यान इसके गीत पर देने के लिए कभी कह रहा है जो चिड़िया है वो बार बार मेरा ध्यान उसकी ओर देने के लिए चहचहाती है और साथ ही फुदकती है कि मैं उसके गीत पर ध्यान दूं लेकिन जो कभी है वो उसके गीत को अनदेखा कर देता है तो लेकिन जो चिड़िया होती है वो बार बार ऐसा करती है कि कभी उसके गीत पर ध्यान दे तो आपकी जो पोएम है और लेसन है वो कंप्लीट हो गया है इसे लेसन को और पोएम को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जो वर्क है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसे आपको अपनी नोटबुक पर साफ साफ नोट करना है और साथ ही लर्न करना है थैंक यू